हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लवलीन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आंसू के दोष पर जो रेसिपी बनाई जाती है उसके बारे में बताऊंगी। यह है नमकीन और मीठे आंसे। यह त्योहार ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाता है। इसमें दो तरह के पकवान बनते हैं, एक ये मीठा बनता है और ये बनता है नमकीन। इसे किस तरह बनाया जाता है इसके लिए आप वीडियो पूरा देखें। आइए, तो आंसे बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमने पानी और गुड़ का घोल तैयार किया है, गेहूं का आटा, बेसन, मिर्ची पाउडर और नमक। आंसे दो प्रकार से बनती है। मीठी आंस बनाने के लिए हम गेहूं का आटा और गुड़ का घोल से हम मीठी आंस बनाएंगे। नमकीन आंस बनाने के लिए हम बेसन और लाल मिर्च पाउडर, नमक का यूज करके नमकीन आंस बनाएंगे। तो चलिए इनका हम डो तैयार करते हैं। नमकीन और मीठा डो बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके आंसे बेलेंगे। इस तरह से हमने सारी लोइयों को बना लिया है। अब हम इसके आंसे बेलेंगे। लोई को इस तरह चपटा बेलना है। अब इस कोने से इस तरह से इसे चोंच टाइप बनाना है। इसी प्रकार हम इधर से भी इसके इस तरह से चोंच बनाना है। इस तरह हमने सभी नमकीन आंसे बना करके तैयार कर ली है। इसी तरह हम मीठी आंसे भी बना के तैयार कर रहे हैं। इसी तरह हमने मीठी आंसे भी तैयार कर ली है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। कढ़ाई ली है, कढ़ाई में तेल गरम कर रहे हैं। तेल गरम होने के बाद हम एक एक करके आंसों को तलेंगे। ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें आशा माता की पूजा होती है और ये प्रसाद उन्हें चढ़ाया जाता है। इस तरह से हम आंसों को तलेंगे। आंसों को इस तरह से हमें फ्राई करना है और इसे धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। पलटा लगाते रहेंगे। फूली फूली आंसे तैयार हो रही है। मीठी आंसों को आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तेल का यूज किया है। हमने सभी मीठी आंसों को तैयार कर लिया है। अब हम नमकीन आंसों को फ्राई करेंगे। इसी तरह से एक एक करके हम नमकीन आंसों को भी फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं नमकीन आंसों इस तरह से फूल चुकी है। इन्हें भी हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारी नमकीन आंसे भी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। हमारे आंसे बनके तैयार है फ्रेंड्स। थैंक यू। लाइक एंड शेयर।